नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। जौनपुर जनपद में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 1 लाख इनामी रजिस्टर ढेर हो गया। बता दें कि जौनपुर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी रजिस्टर बदमाश ढेर हो गया। बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली से एक आरक्षी घायल तथा स्वाट प्रभारी की भी बीपी जैकेट पर गोली लगी। अभियुक्त के पास से मौके से एक पिस्टल, 32 बोर 10 खोखा कारतूस, 32 बोर सहित कारतूस और एक तमंचा बरामद हुआ है और पास से HF डिलक्स भी मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अजय सहनी पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन में वरिष्ठ डॉक्टर संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर जौनपुर के मार्गदर्शन तथा अंकित कुमार क्षेत्राधिकारी सागंज जौनपुर कुशल प्रेक्षण में अपराध की रोकथाम में अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस के द्वारा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 लाख का इनामी रजिस्टर बदमाश ढेर हो गया है। मामले में क्या कुछ कहा अजय सहनी पुलिस अधीक्षक जौनपुर ने, आपको सुनवाते हैं। सुल्तानपुर जनपद का हिस्ट्री सीटर है, जिसपे लगभग 3 दर्जन मुकदमे हैं हत्या लूट और डकैती के। इसकी सूचना अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट प्राप्त हुई थी आज। उसके बाद कई थानों के पुलिस फोर्स और स्वाट की टीम लगी हुई थी। गिरफ्तारी का पुलिस ने प्रयास किया, इसने फायरिंग की, जिसमें स्वाट प्रभारी की बीपी जैकेट पर गोली लगी और एक आरक्षी को गोली लगी। पुलिस ने जो कार्रवाई की उसमें प्रत्युत्तर की कार्रवाई के तहत इसे गोली लगी। उसके बाद PHC लाया गया, वहाँ डॉक्टरों ने इसकी स्थिति गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया। जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पर ये मृत घोषित कर दिया गया है। इस पर अलग अलग स्थानों से IG रेंज अयोध्या साहब और बाकी 2 जनपदों से कुल 1 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इसके पास से एक पिस्टल, 32 बोर की ऑटोमेटिक और एक कंटीमेंट पिस्टल बरामद हुई है और भारी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं। बाकी इसमें विधिक कार्रवाई आगे सुनिश्चित। जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब 3 दर्जन इस पर हत्या लूट डकैती के मुकदमे थे, गैंगस्टर कई मामले थे और पिछले 2 महीने में अम्बेडकर नगर जनपद में, सुल्तानपुर में, जौनपुर में बड़ी लूटें इसने की थी और पिछले महीने अम्बेडकर नगर में भी 2 मर्डर करके लूट की गई थी, गोली मारी गई थी, जिसमें अलग अलग लोगों की जान गई थी। वो सारी घटनाएं अभी तक प्रकाश। किस किस जनपद में इनामिया था? इस पर इनाम बस्ती से IG रेंज अयोध्या साहब की तरफ से था, अम्बेडकर नगर से और जौनपुर से 3 जनों से इस पर पुरस्कार। कुल कितने का इनाम था सर? कहाँ मारा गया, कहाँ इसकी? 1 लाख रुपये का इनाम था और ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है ये जौनपुर के सरपथा थाना क्षेत्र में हुआ है, जिसमें SOG टीम और बाकी थानों की पुलिस को। ये अकेले था घटना? जो सूचना प्राप्त हुई थी उसमें 2 लोगों की सूचना प्राप्त हुई थी, 1 व्यक्ति फरार हुआ है, उसके लिए बाकी कार्रवाई और कानून से। जौनपुर टीम को कोई इनाम भी दिया जाएगा आपकी तरफ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था, जो टीम इसमें शामिल रही है जांच की प्रक्रिया पुरस्कार संबंधित टीम को। जौनपुर पुलिस कितने दिन से इसके पीछे थी बनवास के? जौनपुर पुलिस जैसे ही घटना में इसका नाम सामने आया था, उस लूट की घटना में, उसके बाद से ही पुलिस लगातार जौनपुर में कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी इसको अंजाम दिया?